वहीं आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में अमरोहा से भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तनवर के फार्म हाउस पर एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने सरकारी योजनाओं में चल रहे भ्रष्टाचार और पात्र लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ न मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। लोकसभा के यशस्वी सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के फार्म हाउस पर अपने कार्य कराने के लिए आए थे। कल उनसे वार्ता हो गई थी। उनसे जो मुख्य रूप से कार्य जो चुनाव से पहले उनसे बात हुई थी, गजरौला में ट्रामा सेंटर बनवाना है, गंगा रिवर फ्रंट बनाते हुए उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कराना है और गंगा जी पर स्वच्छता देखते हुए एक वहां पर विद्युत शव दाह गृह बनवाना है। इसके साथ साथ जो जोया का टोल है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर जो ब्रजघाट के टोल से मात्र 33 किलोमीटर है, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सब इसको अवैध बताते हैं। यहाँ से गुजरने वाले मेरे यात्रियों को दुगना जो है टोल वसूला जा रहा है, जो असंवैधानिक है। इसके लिए भारतीय किसान संघ ने मांग पत्र प्रधानमंत्री जी को, सांसद जी को, राष्ट्रपति जी को, नितिन गडकरी को भेजा है। वहीं मथुरा की कृष्ण विहार कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से पानी का संकट झेल रहे हैं लोग और बेसब्र का बांध टूट गया है पूरी सब्र का। कई दिनों से पानी नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने BSA कॉलेज पर जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने सड़क के बीचम बीच बैठकर जल निगम के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझने का प्रयास किया और जल्द से जल्द लोगों की समस्या को खत्म करने की बात कही। भाई साहब टंकी गिरी है, टंकी हमारी गिरी है, हमारे बाड़ में पानी नहीं है, हम बहुत परेशान है, 20 दिन हो गए बिना पानी। एक महीने से बाल्टी ले लेके परेशान है। 47 की जनता है यहाँ जो भी खड़ी हुई है, वार्ड नंबर 47 की जनता है। हमारे यहाँ टंकी बनी हुई थी, टंकी धराशायी होगी, लेकिन अभी तक पानी का कोई मैटर नहीं है। पानी एक दिन चलता है फिर बंद हो जाता है। हमारे ही वार्ड को पानी नहीं है। जहाँ गंगा जल की टंकी गिरी वहाँ पानी नहीं है, जहाँ गंगा जल का टैंक है वहाँ पानी नहीं है, तो अब पानी के लिए जाए कहाँ। वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी छात्रों के मौत के बाद एक के बाद एक यूपी में भी बुलडोजर एक्शन के लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जालौन के उरई में बेसमेंट में संचालित हो रही कोचिंग और व्यापारिक अधिकारियों पर की छापेमारी करते हुए बुलडोजर एक्शन जारी कर दिया गया। वहीं खबर अलीगढ़ में LLB के छात्रों ने विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की और इसी के साथ परीक्षा परिणामों में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। ज्ञापन दिया हमने विजय साहब के लिए, प्रोफेसर महोदय के लिए, कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कुछ छात्र एक एक नंबर से रह गए, तो उन्होंने री एग्जाम देने के बाद में फिर सेम नंबर अनुरूप दर्शाए जा रहे हैं, उसके बाद में पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के प्रति हमने विजय साहब के लिए दिया है और कई बार कंटिन्यू एप्लीकेशन भी दिए हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने ज्ञापन में 72 घंटे का समय भी मांगा है। 72 घंटे में अगर हमारी सुनवाई का समाधान नहीं होता, हमारी समस्या का निदान नहीं होता, तो विश्व छात्र शक्ति एक मांग उनके लिए बाध्य होगी। छात्रों की समस्या है कि उनके जो है कि कुछ नंबरों से फेल हो गए हैं जी, अभी सभी माध्यम से बना के दोबारा चेक कराई गया है। इस पर अब इन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय पद महोदय से। छात्रों ने 72 घंटे का अल्टीमेटिव भी दिया है आपको? सर से वार्ता करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी रिपोर्ट कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिपोर्ट उसकी आ जाए, जैसा भी सरकार निर्देश होगा माननीय कुलपति महोदय। अहम बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम TV।